को मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज चैनल द अवामी। नाजिन, पुलिस के मुतनाजा प्रमोशन बोर्ड की गजब नाइंसाफियों के अजब फैसले सामने आ गए हैं। वही हुआ जिस खदशे का मैंने इजहार किया था। सिंध से मुतालिक इस प्रमोशन बोर्ड ने जो भी फैसले किए हैं उसमें उस बोर्ड में शामिल बाज अफसरों के जो फिरौनियत है वो खुलकर सामने आ गई है। यानी कि ऐसे फैसले किए कि जिसमें उनकी जानिबदारी खुलकर नज़र आ रही है। और इन्हीं फैसलों में जो है बोर्ड के एक मेंबर ने जो है सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो है एक तरीके से ऐलान जंग कर दिया है। उनके PSO फर्रुख बशीर को नामालूम वजूहात के बिना पर जो है प्रमोशन के लिए नामौजू करार देकर, जबकि उनके मुकाबले में दो ऐसे पुलिस अफसरों को मौजू करार दे दिया गया अगले उहदों के लिए कि जिनके खिलाफ जो है यानी कि एडवर्स रिपोर्टें भी थी और वो कत्ल जैसे संगीन वारदातों में जो है बिलवास्ता या बराए रास्त तौर पर भी मुलविस थे। और ख़ुद बोर्ड के एक मेंबर जब एडिशनल IG CTD थे वो भी उनके खिलाफ जो है वो तफ्तीश कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद नामालूम दबाव या नामालूम ख्वाहिशात की तकमील के लिए उस अफसर को जो है Grade 20 के लिए मौजू करार दे दिया गया। हालांकि उनके मुकाबले में बास दूसरे जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान थे जिनके बहुत ही मामूली किस्म की गलतियां थी जो कि नज़रअंदाज की जा सकती थी, उनके मुकाबले में जिन्हें प्रमोट किया गया है उनके मुकाबले में उनका रिकॉर्ड क्लीन था, लेकिन वहाँ पर जो है उनकी इंतकामी कार्रवाई जो है वो सामने आ गई उन्हें मुस्तरद करते हुए या उन्हें अगले उहदे के लिए नामौजू करार देते हुए। इस तरीके से इसी बोर्ड ने जो है कुछ और भी फैसले किए हैं जिसमें पंजाब से अफसरान शामिल है उनको तरक्की देने के, और उन 8 DIGs के जिनके बारे में मैं पहले प्रोग्राम में कहता चला रहा हूँ कि उन्हें तो हर मामला तरह से जो है वो डेफर करके उन्हें जो है जबरी रिटायरमेंट के मुंह पर धकेला जाएगा। ये मैं पहले अपने प्रोग्राम में कह चुका, जिन खदशात का भी मैंने इजहार किया था इस मुतनाज़ा प्रमोशन बोर्ड के हवाले से उसमें तकरीबन वो दुरुस्त निकले। नाज़रीन, बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है करते हैं कि आखिर इस बोर्ड में ऐसा क्या हुआ या ऐसा जिसके लिए मैं इसको बार बार जो है मुतनाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। और मैं ये जो कह रहा था कि ये पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज का जो बोर्ड है और पुलिस ग्रुप का, ये जब से यानी कि ग्रुपों की ये पैदा हुई उसमें जो है इस जैसा एक मुतनाज़ा बोर्ड और एक ऐसा बोर्ड के जिसमें पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों की नुमाइंदगी शामिल नहीं है उसकी नज़ीर जो है वो डूबने से भी नहीं मिलेगी। जो भी मैंने खदशात का इजहार किया था वो बिल आखिर दुरुस्त साबित। अब इस बोर्ड ने आखिर ऐसा क्या किया जिसको मैं बार बार जो है इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। इस सिलसिले में इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ कर खुद बोर्ड में शामिल एक अफसर का कहना है कि किस तरीके से जो है वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो है मुकद्दस हैदर और सलाम शेख को प्रमोशन देने के लिए अगले ओहदे पर तरक्की देने के लिए अपने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, जिसका सबसे बड़ा जिंदा सबूत यह है कि अभी बोर्ड का फैसला नहीं हुआ था कि बोर्ड के फैसले से पहले ही इन दोनों अफसरों की रिक्वजिशन जो है IG सिंध ने भिजवा दी थी स्टेट डिवीज़न इस्लामाबाद को कि इनकी खिदमात जो है वो सिंध में ही रखी जाए। अभी बोर्ड का फैसला नहीं हुआ, उससे पहले ये रिक्वजिशन भिजवाने का मकसद क्या है कि बोर्ड ने इन्हें अगले ओहदे पर प्रमोट करना है। 30 सितंबर का जो बोर्ड था 30 सितंबर के बोर्ड से एक रोज़ कबल बोर्ड के इन तमाम चारों मेंबरों की मुलाकात किसी एक मेंबर के घर पर होती है खाने की दावत पर, जहां पर ये आपस में जो है मामला तय करते हैं कि किसको उन्होंने मौजू करार देना और किसको उन्होंने मौजू नहीं करार देना, यानी उन्होंने अपना अपना वोट किसकी झोली में डालना है और किसकी झोली में नहीं डालना है। इस मकसद के लिए जो है वो
30 सितंबर के बोर्ड से एक रोज़ कबल जो है किसी मेंबर के घर में दावत होती है, वहाँ तय होता है और उसी के ऐन मुताबिक जो है 30 सितंबर को वो सारी कार्रवाई की जाती है, जिस कार्रवाई के नतीजे में जो है सलाम शेख को जो है ग्रेड 20 के लिए मौजू करार दिया जाता है। हालांकि उनके खिलाफ जो है दो मुल्क की जो बड़ी एजेंसियाँ हैं ISI और ख़ुद IB की रिपोर्टें उनके करप्शन और इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल से मुतालिक बोर्ड के सामने मौजूद थी, लेकिन उसे खातिर में नहीं लाया गया। और यही हाल जो है दूसरा जो मुकद्दस हैदर हैं, जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट AIG एस्टेब्लिशमेंट हैं सिंध पुलिस में, उनका तो एक इंतज़ार केस हुआ था जिस ज़माने में वो SSP ACLC थे, बड़ा मशहूर कैसे मीडिया की जीनत बना रहा, किस तरीके से जो है उसमें जो है एक मदिया नकवी एक खातून है, उसके चक्कर में किस तरीके से जो है इंतज़ार नामी शख्स को जो है ख़ुद मस्कूरा SSP मुकद्दस हैदर के गनमैन उनकी हिदायत पर या जो भी वह मर्डर हो जाता है, जिसमें पर ख़ुद मुकद्दस हैदर भी बिलवास्ता या बराह रास्त मुलविस रहे हैं। और इस सारे मामले की तहकीकात जो है उस वक्त के CTD के जो एडिशनल IG डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी करते हैं, वो किसी न किसी तरीके से उनको उसमें बिलवास्ता या बराह रास्त उनकी गफलत लापरवाही किसी न किसी का वो जिक्र ज़रूर अपनी इंक्वायरी में करते हैं। लेकिन उसके बावजूद इतने संगीन शिकायतों को भी खातिर में ना लाते हुए जो है वो उन्हें अगले ओहदे पर प्रमोट कर दे। हैरत की बात है कि प्रमोशन के फौरी बाद जो है कहते हैं कि IG एक मेम्बर ने जो है वो खुद मुकद्दस हैदर को उनके प्रमोशन के बारे में इत्तला दे दी उन्हें भी, और खुद सलाम शेख को भी फ़ोन करके बता दिया गया कि तुम लोग अगले ओहदे के लिए मौजू करार दे दिए गए। ये भी मालूम हुआ है कि मुकद्दस हैदर की पुश पर जो है ख़ुद मोटरवे के IG जो है वो डॉक्टर कलीम इमाम भी हैं, लेकिन वो खुद सिंध के जो IG हैं इस वक्त मुश्ताक महर के भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो उनका तो प्रमोशन बनता है। ये पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में ये कह चुका था कि इनकी प्रमोशन यकीनी है, इनको पहले ही कह दिया गया कि तुम्हें न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि तुम्हें DIG साउथ भी लगाने की कोशिश की जाएगी। ये सारे मामला पहले तय हो चुके थे। तो ये दो जो प्रमोशन हैं, एक मुकद्दस हैदर का और दूसरा सलाम शेख का, इसमें इख्तियार का बहुत ज़्यादा पसंद नापसंद लाइकिंग डिसलाइकिंग और यानी कि इख्तियार का ज़्यादा नाजायज़ में इस्तेमाल नज़र आ रहा है। और इसके मुकाबले में जो है दूसरे जो उम्मीदवार हैं ख़ुद सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुराद अली शाह के जो PSO हैं फर्रुख बशीर को एक तरीके से इस सारे मामले में ट्रेप किया गया है। उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी तीनों मेम्बरों की जानिब से, यानी खुद मुश्ताक महर की जानिब से, खुद जो है AD ख्वाजा की जानिब से और ख़ुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की जानिब से कि आपको जो है वो अगले ओहदे के लिए मौजू करार दे देंगे। इसी बुनियाद पर जो है वो अपने पेपर वो ख़ुद को कंसीडर करते हैं इस बोर्ड में कि उनका प्रमोशन हो जाएगा। फिर खुद चीफ मिनिस्टर ने भी उनकी सिफारिश की थी कि इन्हें आपने अगले ओहदे पर करना, उनका रिकॉर्ड भी यानी कि उन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब नहीं था, यानी कि सलाम शेख के मुकाबले में और मुकद्दस हैदर के मुकाबले में। लेकिन उसके बावजूद जो है प्रमोशन बोर्ड में जो है वो डंडी मारी गई, सिवाय कहते हैं कि डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के बाकी दोनों मेंबरों ने जो है उनकी एडवर्स रिपोर्ट दी, उनकी मुखालफत की, उनको मौजू के लिए प्रमोशन के लिए नामौजू करार दिया, जिसके नतीजे में उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। इस तरीके से डॉक्टर फारूक की भी नहीं हो सकी और फैसल बशीर मेमन की भी नहीं हो सकी। हालांकि तीनों का रिकॉर्ड जो है उन दो को यानी सलाम शेख और मुकद्दस हैदर के मुकाबले में बहुत ही सुथरा था, उनकी टेक्निकल या मामूली गलतियां थी जिसको जो है वो नज़रअंदाज किया जा सकता था। उनके खिलाफ़ किसी एजेंसी की कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं थी और कोई ऐसी संगीन उन पर इल्ज़ामात नहीं थे कि जिसको मद्देनज़र रखकर उन्हें जो है प्रमोशन के लिए नामौजू करार दिया गया। यानी कि यही मैं कहता हूँ कि इस फैसले में जो है बोर्ड के मेम्बरों की फिरौनियत जो है वो सामने आ गई है कि वो कितने बाइख्तियार हैं। अब फर्रुख बशीर को डेफर करके या उन्हें प्रमोशन के लिए नामौजू करार देकर बोर्ड में शामिल एक अफसर यानी कि मेरा इशारा जो है सिंध के IG की जानिब, उन्होंने एक तरीके से सिंध के वज़ीर आला की मुखालफत का
खुलकर ऐलान कर दिया है। यानी उन्हें वो झगड़ा याद है कि किस तरीके से फर्रुख बशीर ने उनके माली मफादात को दचका पहुंचाने के लिए उन्हें कितना संगीन नुकसान पहुंचाया था, जिसके नतीजे में उनकी और सीएम का झगड़ा हो गया था और नाराज़गी हो गई थी, इख्तलाफात बढ़ गए थे। उन इख्तलाफात के नतीजे में खुद मुश्ताक महर को जबरन जो है 10 रोज़ की छुट्टी पर तुर्की और अमेरिका जाना पड़ा था। वो तमाम चीज़ें जो है वो खुद मुश्ताक महर को जब इस बोर्ड का फैसला करते तो उनको याद आ रहा था कि इसने मेरे साथ ये ज्यादती की है, लिहाजा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बिल आखिर प्रमोशन के लिए नामोजू करार देकर एक तरीके से जंग का तबल बजा दिया है खुद जो है वो चीफ मिनिस्टर सिम के खिलाफ इस फैसले की शक्ल में। और जो दूसरे दो फैसले किए हैं यानी कि सलाम शेख का और दूसरा मुकद्दस हैदर का, वहाँ पर जो है वो उनकी फिरौनियत और उनका जो इख्तियारात का नाजायज़ है वो भी इस्तेमाल जो है वो भी खुल कर इस वक्त सामने आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मुतनाज़ा प्रमोशन बोर्ड हैं इसकी ये गज़ब नाइंसाफ़ी की ये इसको मैं अजब फैसले ना कहूँ तो क्या कहूँ। यानी खुल के जिनके जराइम, खुल के जिनके जो है नाइंसाफियाँ, खुल के जिनके इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल जो नज़र आ रहे हैं तो उसको भी क्या नाम दिया जाए। ये है इस मुतनाज़ा प्रमोशन बोर्ड का एक अजब फैसला। अब ये सिर्फ यही एक फैसला नहीं है, इसके अलावा दूसरे जो फैसले इन्होंने किए हैं इस बोर्ड ने, एक तो वो जो 8 बदनसीब DIG थे जिनको इस बोर्ड ने एक बार फिर डेफर कर दिया, रेफर करना था कि 2 दफ़ा अगर वो सुपरसीट नहीं होते तो फिर वो उस मयार पर, उस स्टैंडर्ड पर पूरे नहीं उतरते जिसके तहत किसी को भी आप जबरी तौर पर घर भिजवा सकते हैं। यानी ये इस डिवीज़न का एक नया जो कानून था उसके परफॉर्मे में ये उसी वक्त फिट बैठते हैं जब ये कि 2 बार जो है सुपरसीट हो जाए। लेकिन सुपरसीट करने वाले इस मुतनाज़ा प्रमोशन बोर्ड को ये याद ना रहा कि 1 साल में जो है वो आप 2 बार जो है ना किसी को जो है वो डेफर अगर नहीं कर, 2 दफ़ा आप उसको कंसीडर कर ही नहीं सकते। आम तौर पे तो आप कर सकते हैं जहां पर ACR का जिक्र ना हो, लेकिन इसमें आपने जब 2 मुख्तलिफ सालों की ACR का मुवाजना करना है तो फिर आपको जो है 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर 2021 में ही जो है 2 बोर्ड हुए हैं इन्हीं 8 बदनसीब DIGs के, और दोनों बोर्डों में जो है उनको एक ही ACR को बुनियाद बनाकर जो है उन्होंने डेफर किया गया। यानी उनको अगले ACR का मौका ही नहीं दिया गया, यानी कि 2 दफ़ा डेफर करने का मकसद उनको जो है वो हर हाल में जो है वो जबरी तौर पर घर भिजवाना है। ये इस मुतनाज़ा प्रमोशन बोर्ड ने अपने इख्तियारात का दोबारा एक नाजायज इस्तेमाल करके जो है वो एक तरीके से अपनी फिरौनियत का जिंदा सबूत दिया है। इस तरीके से अब ये जो है उमर शेख हो गए हैं, अज़र रशीद और ख़ुद क्या नाम है फिरोज शाह हो गए, इस तरीके से अव्वल खान हो गए, दूसरा काका मज़र काका खेल, इन तमाम जो है लगारी जो DIG, इन तमाम को जो है वो इस तरीके से अब जबरी तौर पर घर भिजवा दिया जाएगा। अगले बोर्ड में इनके लिए एक मखसूस बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसके नतीजे में ये फैसला कर जाएगा कि अब वो अब मुलाजमत के लिए अहल नहीं रहे चूँकि वो 2 बार सुपर सीट हो चुके हैं। नाज़रीन से कबल के प्रोग्राम के मैं अगले इसी खबर के सिलसिले में आगे बढ़ता हूँ मज़ीद तफसील में। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक़ और सदाक़त का सवाल इस तरीके से जारी हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन Grade 21 में जो प्रमोट हुए हैं ये कोई 8 के करीब DIG का प्रमोशन हुआ है Grade 20 से 21 में, यानी कुल 50 वैकेंसियाँ थी। इन 50 वैकेंसियों में जो हैं कोई 27 केसेस जो है उन्होंने इस पर पुटअप किए थे जिसमें 8 तो वो हैं, बाकी 19 जो DIG थे उन्हीं में से जो है वो सिलेक्शन होनी थी कि किसको जो है वो क्या नाम है ग्रेड 21 में प्रमोट करना है। इनमें से जो है मुनीर शेख सीनियर को इसलिए डेफर कर दिया गया है कि उन्होंने जो है ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के कानून की खिलाफ वर्जी की थी, ताबेदारी नहीं की थी, रूल्स की एक तरीके से जो है अहकामात को नहीं माना था कि उनका रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है FIA से पंजाब में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उन्होंने वहाँ ज्वाइनिंग नहीं दी थी, इस बुनियाद पर जो है उन्हें प्रमोशन की दौड़ से अलग कर दिया गया था, उनको प्रमोशन से
दूर कर दिया गया था, उन्हें इसमें प्रमोट नहीं किया गया। अब जो खुशनसीब डीआईजी प्रमोट हुए हैं उसमें जो है ख़ुद मकरान गवादर के डीआईजी अख्तर हयात ग्रेड 21 में चले गए। ये खैबर पख्तूनख्वास पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। अब इनकी जो है 1969 में जो है ये डेट ऑफ बर्थ है। किस तरीके से डीआईजी सलमान चौधरी जो है नेशनल स्कूल पब्लिक पॉलिसी में है, ये नीपा वालों को ट्रेनिंग देते हैं, ये भी ग्रेड 21 में चले गए। अब्दुल कादर कयूम जो है ये डीजी नेक्टा हैं इस्लामाबाद के, भी ग्रेड 21 में चले गए। इसी तरीके से ज़ैम इकबाल शेख जो हैं ये एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच लाहौर हैं, इनको भी ग्रेड 21 दे दिया गया है। मकसूदुल हसन जो है ये इस्टेब्लिशमेंट 2 के जो है ये डीआईजी हैं फैसलाबाद से, इनका ताल्लुक है, इनको भी ग्रेड 21 में दे दिया है प्रमोशन।